नमस्कार। आज हम लेखांकन में अध्याय दो साझेदारी लेखांकन के साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने साझेदारी संलेख का अर्थ तथा उसमें आने वाली प्रमुख बातों के बारे में पढ़ा था। आज हम साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम है व्यवसाय का संचालन। अगर साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का कोई संलेख नहीं है, किसी प्रकार की कोई लिखित अनुबंध नहीं है, तो वे व्यवसाय को अपने तरीके से संचालन कर सकते हैं। फर्म के प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन का अधिकार होगा। दूसरा नियम है लाभ हानि का विभाजन। फर्म में होने वाले लाभ हानि का विभाजन सभी साझेदारों के मध्य समान रूप से किया जाएगा। इसका मतलब लाभ हानि उनको बराबर बांटनी पड़ेगी। अगला है साझेदारों का वेतन। किसी भी साझेदारों को फर्म से वेतन प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो अधिक काम कर रहा हो या दूसरे साझेदारों के बराबर ही काम कर रहा हो, उसको किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज। साझेदारों की पूंजी पर किसी तरह का ब्याज प्राप्त करने का उनको अधिकार नहीं रहेगा। आहरण पर ब्याज। अगर साझेदार फर्म से आहरण करते हैं, उस पर भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऋण पर ब्याज। अगर साझेदार फर्म को किसी प्रकार का ऋण देते हैं या फर्म साझेदारों से ऋण प्राप्त करती है, तो उस कंडीशन में साझेदारों को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। हिसाब किताब देखना। सभी साझेदारों को अधिकार रहेगा कि वो हिसाब किताब की पुस्तकें देख सकते हैं और उसको किसी को दिखवा भी सकते हैं अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो। नए साझेदारों का प्रवेश। किसी भी साझेदार को फर्म में प्रवेश लेने के लिए सभी साझेदारों की अनुमति प्राप्त होना ज़रूरी है। अगर एक भी साझेदार की अनुमति या सहमति नहीं है, तो नए साझेदार को प्रवेश नहीं मिल सकता। गुप्त लाभ। अगर कोई साझेदार फर्म के नाम से कोई गुप्त लाभ कमाता है, तो वह लाभ उसे फर्म में देना पड़ेगा। लाभ खुद नहीं रख सकता, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। फर्म में परिवर्तन। यदि फर्म के संगठन या बनावट में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो नई फर्म के साझेदारों के अधिकार पूर्णवत रहेंगे, पहले के समान ही रहेंगे।